नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए कुछ कमाल की और बढ़िया टेक न्यूज़। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज़ देख रहे हैं आप। सबसे पहली टेक्नीज आती है वो आती है रेजर फोन की तरफ से। यहाँ जो रेजर फोन था जो लॉन्च हुआ, तो मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल का था। उसके स्पीकर्स वगैरह आपको अच्छे देखने मिलते, स्पेसिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छी थी। यहाँ पर 120 हर्ट्ज की आपको स्क्रीन देखने मिलती, लेकिन यहाँ पर जो है इसका एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च हुआ है। अब बैड न्यूज ये है कि यूएस और हांगकांग में ही हुआ है सर, लेकिन ये जो अच्छी बात ये है कि ये जो रेजर फोन लिमिटेड एडिशन है उसमें पीछे जो रेजर का लोगो है वो आपको देखने मिलेगा गोल्ड कलर में। साथ ही जो पैकेजिंग होगी उसकी वो होगी रेड कलर में। तो देखते हैं फोन कब तक आएगा इंडिया। और जो प्राइसिंग रखी गई है इस फोन की वो है $699.99। तो देखते हैं फोन यहाँ इंडिया में कब तक आएगा, इंतजार है उसका। तो देखते हैं यार, तो अगली न्यूज आती है वो आती है युवावे की तरफ से। तो युवावे का जो ओनर, मतलब युवावे के जो सारे फोन है, अब से उन्होंने ऑफिशियल कर दिया कि उनके सारे फोन सबसे जो आएंगे वो आएंगे 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। तो यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है नोकिया को लेकर। तो यहाँ पर जो नोकिया है उसका नोकिया 2 लॉन्च हो चुका है इंडिया में। अब तक का सबसे कम प्राइसिंग वाला फोन नोकिया 2 ही है, लेकिन यहाँ पर जो है अब लीक्स आई हैं कि यहाँ पर जो नोकिया 1 भी है वो आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो नोकिया 1 जो है वो एक्चुअली एंड्रॉयड गो पे बेस्ड ऑडियो बेस्ड एंड्रॉयड फोन होगा। और यहाँ जो FCC वेबसाइट है जहाँ पर ये सारे फोन्स को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, उसके लिए जो है वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर FCC की वेबसाइट पर जो मतलब लीक हुआ है इसके बारे में, तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी कि यहाँ जो इसकी डायमेंशन वगैरह लीक हुई है, उसके स्पेसिफिकेशंस तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपको 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिले। और साथ ही जो प्रोसेसर वो होगा क्वालकॉम का Snapdragon 212। तो मतलब हल्का फुल्का फ़ोन है, हल्की फुल्की गो एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे इसमें। और लॉन्च करने के बाद एंड्रॉयड होगा वो भी गो ही होगा, गो एडिशन और ही होगा। अगली न्यूज आती है वो आती है PlayStation को लेकर। यहाँ पर जो PlayStation 4 है उसका एक अपडेट है 5.50 बीटा। उससे जुड़े हुए कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है आपको PlayStation 4 में कुछ अच्छे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है सुपर सैम्पलिंग। यानी इसके अकॉर्डिंग जो फोन आप जो मतलब गेम्स वगैरह खेलते हैं अपने PlayStation 4 Pro पर, उसमें आपको अपने गेमिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्क्रीन मतलब कंसोल को कनेक्ट करते हैं स्क्रीन से, तो यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीन फुल HD को सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ पर मतलब फुल HD गेम्स जो है वो आप खेल पाएंगे उस स्क्रीन पर। और यहाँ पर मतलब एंटी एलियासिंग वगैरह जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, और ओवरऑल शार्प परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है गेम्स में। तो देखते हैं यहाँ पर जब ये अपडेट आएगा PS4 के लिए 5.50 तो कैसा होगा। तो फिर यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है बहुत ही बेहतरीन एयरबस की तरफ से। एयरबस जो है एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके अकॉर्डिंग उसने जो है सेल्फ ड्राइविंग नहीं, सेल्फ फ्लाइंग टैक्सी का जो है एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मतलब टेस्ट किया है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो फ्लाइट थी उसकी एयर की सेल्फ ड्राइविंग कार की वो थी 1 मिनट की, और जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग के साथ साथ सेल्फ फ्लाइंग कार आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है बिटकॉइन को लेकर। यहाँ जो बिटकॉइन है उसकी कंडीशन फिलहाल बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कम मार्केट वैल्यू बिटकॉइन की यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लास्ट फ्राइडे को क्रिप्टो करेंसी जो थी उनको मतलब ओवरऑल सारी क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट वैल्यू थी वो 20% तक नीचे जा चुकी है। और जो बिटकॉइन है स्पेशली बिटकॉइन वो अब $8,000 पे पहुंच चुका है। यानी मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू अब आपको 5.12 लाख ही मिलेगी, जो आपको पहले मतलब जनवरी में देखने को मिलती थी 7 से 8 लाख, और मतलब पिछले साल दिसंबर से पहले आपको देखने को मिलती थी जो 13 लाख तक थी। मतलब फिलहाल तो अब बहुत ही ज़्यादा बकवास हो चुकी है बिटकॉइन की वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। और ये जो मतलब फिलहाल की जो प्राइसिंग है वो जनवरी के मतलब जनवरी में फिलहाल जो लॉन्च मैक्सिमम जो रीच करी थी मार्केट वैल्यू उसकी आधी हो चुकी है यहाँ पर। यानी कि $8,000 जो थे वो पहले थे $16,000। तो यहाँ पर देखते हैं बिटकॉइन आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर जो मतलब इंडिया में तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, क्योंकि अरुण जेटली जी ने जो क्रिप्टो करेंसीज को इलीगल बता के तो बंद कर ही दिया एक तरह से। तो फिर यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है नोकिया की तरफ से। तो यहाँ जो है नोकिया ने रिसेंटली एक और डिवाइस को ट्रेडमार्क किया है जिसका मॉडल नंबर है TA1005, और नाम शायद उसका हो सकता है Nokia 8 Sirocco। तो यहाँ जो सिरोको टर्म है वो 2006 में नोकिया ने यूज़ किया था अपने Nokia 8800 के लिए। यहाँ पर जो सिरोको एडिशन था जिसके अकॉर्डिंग प्रीमियम फ़ोन आपको देखने को मिला था। तो हो सकता है यहाँ पर नोकिया 8 का प्रीमियम एडिशन आपको देखने को मिले। तो इंतज़ार है, देखते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में शायद इसे ये शोकेस करे। तो यहाँ पर जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है युवावे की तरफ से। तो युवावे का जो ऑनर 9 Lite है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसका जो है ग्रे कलर्ड एडिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है, और फ्लिपकार्ट पर ये सेल पर जाएगा अगली
थर्सडे को अगले हफ्ते की, तो देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसे खरीदेंगे। तो मेरे यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है शाओमी की तरफ से। यहाँ पर जो शाओमी का मी 6X है वो मतलब बना हुआ है यहाँ पर न्यूज में, तो यहाँ पर जो दोबारा से एक लीक आई जिसके अकॉर्डिंग फ्रंट और बैक जो है वो दोबारा से सामने आया है। स्पेसिफिकेशंस तो दोबारा से नहीं आई है, मतलब दोबारा से जब पहले भी नहीं आई थी, फिलहाल भी नहीं है स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पर मतलब पहले जैसी न्यूज़ है, पीछे आपको आईफोन 10 जैसा कैमरा देखने को मिल सकता है, वर्टिकल डुअल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट में वही 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन। तो इंतजार है यार, यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लीक होने का भी इंतजार है और फोन को ऑफिशियली लॉन्च होने का भी इंतजार है। तो देखते हैं मी 6X कब तक लॉन्च होगा। मेरे यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है एक बहुत ही ज्यादा हिलेरियस न्यूज, साथ ही साथ एक सीरियस इशू भी है एक तरह से। ये तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो है एक कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कराया था अपना एक iPhone 8 और उसे घर पर जो है पैकेज रिसीव होता है। पैकेज वो को जब वो खोलता है तो वहाँ पर उसे मिलता है डिटर्जेंट सोप iPhone 8 की जगह। तो यहाँ पर जो है मतलब iPhone 8 की जगह वो सोप को यूज़ करने वाला है, उसी में सारे काम करेगा, उसी से कॉलिंग वगैरह करेगा। खैर ये तो मजाक था, लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी कि उसने मतलब उसे बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर मतलब बात कुछ ऐसी, उसने फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट FIR फाइल की है और इसके जवाब में फ्लिपकार्ट ने कहा है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और पता कर रहे हैं ऐसा किस तरीके से हुआ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड यहाँ जो अगली बढ़िया न्यूज़ आती है वो आती है लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज की तरफ से। यहाँ जो मर्सिडीज की ए क्लास कार को जो है उससे पर्दा हटा दिया गया है, लोगों के सामने है वो कार। खासियत की जरूरत नहीं है यार, मर्सिडीज बहुत अच्छी एक लग्जरी कार है, स्टेटस को बताती है। लेकिन यहाँ पर जो है इस कार में एक्चुअली में खासियत है, देखने में तो अच्छी होगी, ये कार मर्सिडीज की है तो। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें आपको एक जर्मन ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिव चीज़ें बनाने वाली कंपनी की जो है आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग इस कार में देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको मिलेगा एक वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। तो यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है निंटेंडो की तरफ से। जो निंटेंडो है जो कि उसका गेमिंग कंसोल है जो कि मार्च 2017 में लॉन्च हुआ था जिसका नाम है निंटेंडो स्विच, उसने जो है फिलहाल अब तक अपने 15 मिलियन यूनिट्स को बेच लिया है और यहाँ पर जो है वो एम कर दिया कि अगले लॉन्च होने के अगले साल में वो जो है 20 मिलियन यूनिट्स को और बेच लेगी। तो यार बेस्ट ऑफ लाइक निंटेंडो, बेचो और देखते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताया कि आपने कभी निंटेंडो स्विच को ट्राई किया है या PS4 वगैरह एक्सबॉक्स वगैरह, तो बहुत लोग ट्राई करते हैं। निंटेंडो स्विच आपने कभी ट्राई किया या आपने कभी सोचा है इसे ट्राई करने का, या आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको कैसा लगता है, तो बेशक या नीचे बेधड़क कमेंट्स में बताइएगा मुझे। तो जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है बजाज की तरफ, जो कि बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी जो पल्सर RS 200 है वो अब आपको देखने को मिलती है रेसिंग रेड कलर में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है। मेरा मतलब अच्छा लगता है मुझे रेड कलर, और साथ ही साथ ये कार का मॉडल जो है लुक वाइज देखने में भी अच्छा होता है, मतलब मॉडल अच्छा कलर अच्छा, तो मतलब बाइक भी ओवरऑल अच्छी। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कलर कौन से अच्छा लगेगा इस बाइक में, और साथ ही साथ बाइक आपको कैसी लगती है वो भी बताइएगा नीचे कमेंट्स में। तो मेरे यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है बहुत ही ज़्यादा सीरियस न्यूज़, जो कि है एडोब के बारे में। तो एडोब फ्लैश जो अगर आपके PC में पड़ा हुआ है तो आप शायद खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई मतलब ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो है हैकर्स ट्राई कर रहे हैं एडोब फ्लैश के वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके आपके कंप्यूटर, आपके विंडोज़ कंप्यूटर को एक्सेस करने की। खैर यहाँ पर मतलब ऐसा कोई केस देखने को मिला नहीं है, लेकिन सोर्सेस से कुछ ऐसा पता चला है कि हैकर्स ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यार यकीन है कि ये न्यूज़ उन तक एडोब वालों तक सबसे पहले पहुंच गई होगी और वो कुछ ना कुछ करने में लगी गए होंगे, तो डेफिनेटली डरने की बात ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ जो अगली और लास्ट न्यूज़ आती है आज की वो आती है युवावे की तरफ से। तो युवावे की स्मार्ट वॉच पे जो है एक पेटेंट उन्होंने फाइल किया है जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर जेस्चर कंट्रोल मिलने वाला है, और जेस्चर कंट्रोल कोई आसान सादा जेस्चर कंट्रोल नहीं है कि आप स्क्रीन पे अपनी उंगली को टच करके यहाँ पर कोई जेस्चर्स बनाएंगे और आप जो है एक्सेस कर पाएंगे उसके फीचर को। यहाँ बात कुछ ऐसी है कि आपके रिस्ट वॉच पे, रिस्ट पे जो है आपको घड़ी बांधनी है और ऊपर ही आपको मतलब एयर में जो है अपने फिंगर से उस चीज़ को, उस वॉच को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो मतलब चार जगह हैं जहाँ से आप अगर अपनी उंगली को वहाँ पर यूज़ करते हैं, मूव करते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज करेगी वॉच। तो मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं ये आधी कब तक, क्योंकि पेटेंट तो फाइल हो चुका है लेकिन प्रैक्टिकली ये कब बनेगी कुछ पता नहीं। तो फ्रेंड ये तो थी कुछ बढ़िया आज की टेक न्यूज़। आई होप आपको इन टेक न्यूज़ में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और पसंद आई हो तो बिल्कुल यार लाइक करें, मेरा कहीं मत जाना यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए यार मेरे चैनल को, प्लीज़ यार सब्सक्राइब। और यार क्या मतलब नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, दोबारा से मेरे चैनल सब्सक्राइब और साथ ही बराबर मिलेगा एक बेल आइकन, दोबारा से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मिस भी मत किया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की डेली टेक न्यूज़ लेके आता रहता हूँ, साथ ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज भी रोज मैं अपलोड करता हूँ। तो यार थोड़ा तो हार्डवर्किंग की लाज रख लो यार, थोड़ा तो यार देख लो, मतलब
ठीक है, आप मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।